सो हमने अभी तक लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला डिस्कस किया। ये दो टर्म्स हैं जो हमें इमेज का कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उसका नेचर बताते हैं किस तरह से है वो। तो जो चीज़ हमने रे डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश की थी उसे हम मैथमेटिकली भी समझ गए, क्योंकि हमें लेंस फार्मूला और मिरर मैग्निफिकेशन फार्मूला, इन दो फार्मूले से इमेज का नेचर, उसका पोजीशन, उसका साइज, हर चीज़ पता चल सकती है। सो दैट्स वाई लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हेन वी टॉक अबाउट स्फेरिकल लेंसेस। नाउ अब अगर हम ध्यान से दोनों लेंसेस को देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से यहाँ पे स्केच करता हूँ। कॉन्वेक्स लेंस है, दिस समथिंग लाइक दिस, किस तरह का मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया। एंड लेट्स से यहाँ पे इसका फोकस है। अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलली आके इस लेंस को स्ट्राइक करती है तो हम कहते हैं कि ये रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम दिस फोकस, और यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट विल पास लाइक दिस। इस तरह से ये रे ऑफ लाइट्स पास होंगी। जब मैं एक और लेंस लेता हूं, कुछ इसी तरह का एक और कॉन्वेक्स लेंस अज्यूम करता हूं, जिसका फोकस हम अज्यूम करते हैं लेट्स से यहां पे। तो जब एक रे ऑफ लाइट पैरेलली आके इस तरह से स्ट्राइक करती है तो फाइनली ये रे हम कहते हैं कि ये फोकस से पास हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस रे विल पास समथिंग लाइक दिस। दोनों ही रेस फोकस से पास हो रही है। कुछ इस तरह से जब ये लाइट रेस इस तरह से पास हो रही है तो हमने देखा कि दोनों ही एक कॉन्वेक्स लेंस है। दोनों कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है और लाइट रेस बिल्कुल पैरेलली वहां से आ रही है और फाइनली इस मिरर, इस लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस पे मीट करती है। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों लाइट्स में जो कॉन्वर्जेंस क्रिएट हुआ है, हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस। इस लेंस में एक कॉन्वर्जेंस क्रिएट हुआ है, इस लेंस में भी और इस लेंस में भी। लेकिन अगर हम लाइट के पाथ को ध्यान से देखें तो लाइट का पाथ शुड बी समथिंग लाइक दिस और लाइट का पाथ शुड बी समथिंग लाइक दिस। दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो लाइट रे बिल्कुल ऐसी जा रही थी, स्ट्रेट, यहां पे भी ऐसी स्ट्रेट। लेकिन इस केस में जब लाइट रे इस लेंस से टकराती है तो डाइवर्ट हो जाती है, या कहें कन्वर्ज हो जाती है, और कन्वर्ज होके फोकस पे मिल जाती है। और जो उसका कन्वर्जेंस होता है वो लगभग इतना होता है। और इस केस में जो लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी वो कॉन्वर्ज होती है और उसमें कॉन्वर्जेंस इतना होता है। कॉन्वर्जेंस जो टर्म है इसे हम मेजर करते हैं एंगल में। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा सीधा जा रहा हूँ और मैं एकदम से सीधा जाते जाते ऐसा टर्न हो जाऊँ, ऐसा सामने इधर जाने लगूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं मेरे पाथ से कितना घूम गया,
90 डिग्री पे घूम गया, मैं मेरे पाथ में कितना डाइवर्जेंस हुआ, 90 डिग्री का डाइवर्जेंस हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन सीधा जा रहा है और उसने हल्की सी डायरेक्शन चेंज करके ऐसा जाना शुरू किया, लेट से 60 डिग्री पे। तो जो पर्सन सीधा जाते हुए 60 डिग्री पे टर्न होता है और जो पर्सन सीधा जाते हुए 100 डिग्री पे टर्न होता है या 90 डिग्री पे टर्न होता है, तो किसके पाथ में डाइवर्जेंस ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, जो 60 डिग्री पे टर्न हुआ। तो हम कहते हैं कि जो पाथ से डाइवर्जेंस है या पाथ से कॉन्वर्जेंस है, अपने पाथ से डेविएशन है, उस डेविएशन को हम एंगल के टर्म्स में नापते हैं। उसी तरह से यहां पे भी अगर हम देखें तो दोनों लाइट रेस बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन एक के पाथ में इतना डाइवर्जन आया और दूसरे के पाथ में इतना डाइवर्जन आया, या कहें डेविएशन आया। तो डायग्राम देख के हम बता सकते हैं कि किसके पाथ में ज्यादा डेविएशन है। बताइए किसके पाथ में ज्यादा डेविएशन होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इसके पाथ में, द फर्स्ट डायग्राम। और सेकेंड केस में डेविएशन कम है। क्या हम इसका रीजन जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये डेविएशन क्यों ज्यादा है और क्यों कम है? यस, हम कहते हैं कि इसका फोकस इसके पोल से कुछ इतनी ही दूरी पे, लेकिन इस केस में फोकस की दूरी, जो पोल से दूरी है, वो काफी ज्यादा है, काफी लंबी है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जिस भी लेंस का फोकस उससे दूर है, उस केस में डेविएशन कम हुआ है। जिस भी लेंस का फोकस उसके पोल से पास में है, उस केस में डेविएशन भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। इतना लाइट ऐसा जा रहा था, डेविएशन, ओके, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। सो आई विल से कि यहां पे एक टर्म डिफाइन होगा विच इज नोन एज कॉन्वर्जिंग पावर, कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस। दिस कॉन्वर्जिंग पावर इज बेसिकली इनवर्सली प्रपोर्शनल टू फोकल लेंथ। कहने का मतलब यह है कि जिस भी लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, उसकी कॉन्वर्जिंग पावर कम होगी। कॉन्वर्जिंग पावर क्या चीज है? कॉन्वर्जिंग पावर इज बेसिकली कि ये लाइट रे के पाथ में कितना डेविएशन क्रिएट कर सकता है, लाइट को कितना ज्यादा कॉन्वर्ज कर सकता है। जैसा हम कहें कि लाइट रे यहां पे जा रही है और यहां पे इतना डेविएशन हुआ, इतना कॉन्वर्जिंग हुआ, यहां पे इतना सा ही कॉन्वर्जिंग हुआ। तो आई विल से कि जो पहला वाला डायग्राम है, फर्स्ट लेंस, इस केस में इसकी कॉन्वर्जिंग पावर ज्यादा है। इस लेंस की कॉन्वर्जिंग पावर हम कहेंगे कि काफी ज्यादा है, इसकी कॉन्वर्जिंग पावर कम है। अब मैं फोकस को अगर और दूर कर दूं, तो हम कहेंगे कि जो डेविएशन है वो और थोड़ा सा होगा। तो जितना ज्यादा डेविएशन, उतना ज्यादा कॉन्वर्जिंग पावर, एंड कॉन्वर्जिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। सिमिलरली, अगर हम एक कॉनकेव लेंस का बात करें, कॉनकेव लेंस की बात करें, तो कॉनकेव लेंस में यू विल फाइंड कॉनकेव लेंस में जब हम ध्यान से देखते हैं, तो लेट से दिस इज अ कॉनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस। जब दो लाइट रेज बिल्कुल पैरेलली इस लेंस को स्ट्राइक करती हैं, तो क्या होता है? डाइवर्जेंस। और हमने ये सीखा है, जब ये लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं, तो इनको ट्रेस बैक करने पर ये फोकस पे मीट करती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइट रेज कुछ ऐसी स्ट्रेट जानी चाहिए थी, this should go something straight like this,
ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये ऐसे जाते जाते लेंस से टकराने के बाद ऐसी हो गई, अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई है, और इसमें जो डाइवर्जेंस हुआ है वो लगभग इतना हुआ है। दोनों लाइट रेज में अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज द डाइवर्जेंस, डेविएशन फ्रॉम द पाथ। अब ये सोचिए कि अगर मैं इस फोकस को ऐसा खींच के पीछा पीछे खसकाऊं और पीछे खसकाऊं, धीरे धीरे पीछे खसकाते जाऊं, तो क्या होगा? तो ये लाइट रे ऐसे टकराने के बाद जो ऐसी गई है, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस। मतलब जैसे जैसे आप फोकस को पीछे खींचते जाएंगे वैसे वैसे ये डेविएशन भी कम होता दिखाई देगा। सिमिलरली अगर आप फोकस को आगे खसकाते जाएंगे तो यू विल फाइंड कि ये डेविएशन और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा। सो आई विल से इस केस में कन्वर्जिंग पावर की जगह टर्म क्या होगा, क्योंकि ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, तो आई विल से द टर्म विल बी डाइवर्जिंग पावर, एंड दिस डाइवर्जिंग पावर इज अगेन इनवर्सली डाइवर्जिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। नाउ कॉन्वर्ज होना मतलब प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मूव करना, और डाइवर्ज होना मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाना। तो आई विल से कि जो डाइवर्जिंग है, जो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस इज निगेटिव ऑफ कॉन्वर्जेंस, ऐसा हम कह सकते हैं, बिकॉज ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टा मीनिंग है। डाइवर्जेंस मतलब दूर जाना, कॉन्वर्जेंस मतलब पास आना, तो डाइवर्जेंस इज निगेटिव ऑफ कॉन्वर्जेंस, आई कैन से दिस। ओके, सो दिस इज फॉर कॉन्केव लेंस, दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। हमने ये समझने की कोशिश की कि बेसिकली फोकस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है इसका डाइवर्जेंस या फिर कॉन्वर्जेंस, क्योंकि लेंस तो एक जैसा है। जैसे अगर कहें ये भी क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन दोनों में हम डिस्टिंग्विश कैसे करें, दोनों में डिफरेंस कैसे समझें? तो डिफरेंस समझने के लिए हमारे पास ये रास्ता है, कन्वर्जिंग पावर किस लेंस की ज्यादा है, किस लेंस की कम है। देन दो कॉन्केव लेंस में डिफरेंस करने के लिए किसकी डाइवर्जिंग पावर ज्यादा है, किसकी डाइवर्जिंग पावर कम है, एंड डाइवर्जिंग पावर इज डिपेंडेंट ऑन फोकल लेंथ, फोकस की पोजिशन पे। तो इन दोनों को क्लब करके, इन सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हमने एक टर्म बनाया, इसको हमने नाम दिया सिंपली पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, यहां पे हमने डाइवर्जिंग पावर या कॉन्वर्जिंग पावर की बात नहीं की, सिंपल डाइवर्जेंस, सॉरी पावर ऑफ लेंस। दिस पावर ऑफ लेंस पी को हमने डिफाइन किया एज वन ऑफ वन अपॉन एफ, एफ इज द फोकल लेंथ। सो आई विल से पावर इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, आई विल से पावर इज reciprocal of focal length। हमने define किया कि power जो होती है, power क्या है, basically reciprocal of focal length, just उल्टा है उसका। focal length की units क्या हो सकती है, meters या फिर centimeters। तो हमने कहा power की unit क्या होती है, power की unit होती है meter inverse या centimeter inverse या फिर डायोप्टर। पावर की यूनिट हमने कहा कि इट इज डायोप्टर, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर, ऐसा हमने नाम दे दिया। नाउ पावर का फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन एफ, कब, जब ये मीटर्स में हो, या फिर कहें इट इज हंड्रेड अपॉन एफ, कब, जब सेंटीमीटर्स में हो। मतलब जब फोकल लेंथ आपको मीटर्स में दी है देन यूज दिस फॉर्मूला, अगर फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर्स में दी है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि फोकल लेंथ ऑफ सम लेंस इज 20 सेंटीमीटर्स, किसी लेंस की अगर मैं मानता हूं फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इट मींस पावर कितनी हो जाएगी, 100 अपॉन 20 मींस 5, एंड लेंस की पावर की यूनिट क्या है, डायोप्टर। सो आई विल से
दिस पावर इज इक्वल्स टू 5 डायोप्टर, एंड डायोप्टर को रिप्रेजेंट करते हैं डी से. 5D मीन्स पावर ऑफ लेंस, 5 डायोप्टर. नाउ अगर हम बात करें कॉन्वेक्स और कॉन्केव की, तो आई विल से कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर इज पॉजिटिव, एंड कॉन्केव लेंस के केस में पावर इज नेगेटिव. व्हाई नेगेटिव? बिकॉज हमने कहा कि कॉन्केव लेंस तो डाइवर्जेंस करता है, डाइवर्जिंग क्रिएट करता है. तो डाइवर्जेंस क्या है? इट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ कॉन्वर्जेंस. दैट्स व्हाई यहां पे हमने पावर लिखा नेगेटिव और इसके लिए लिखा पॉजिटिव. सो दिस इज द टर्म पावर. दोनों को क्लब करके एक सिंगल टर्म बना दिया. ओके, सो यू कैन नोट दिस. ओके, सो हमने अभी तक डिस्कस किया है सिंगल लेंस. हमने अभी तक ये सीखा कि एक लेंस में आप किस तरह से ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. देन इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, कैसी है, नेचर भी पता कर सकते हैं. लेकिन अगर मेरे पास 3-4 लेंसेज हैं, लेट्स से मेरे पास 4 कॉन्वेक्स लेंस है, मैंने चारों को देखा अलग अलग करके, तो चारों से इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखाई दी. लेकिन जैसा हमने मिरर्स में किया था, प्लेन मिरर में हमने प्लेन मिरर्स को कंबाइन कर दिया था और उससे कई इंटरेस्टिंग फिनोमिना हमें दिखाई देने लगे थे, उसी तरह से हम आज भी लेंस को कंबाइन करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इस तरह का एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है लेट्स से F1, देन मेरे पास एक इस तरह का कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है लेट्स से F2, देन मैं अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास ये 6 अलग अलग लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ है F1, F2, F3, F4, F5 एंड F6. ये 6 अलग लेंसेज को मैंने सिंगली यूज करके देखा, सिंगल सिंगल यूज करके देखा और सभी से इमेजेस फॉर्म करके देख ली और सभी से ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता करके, इमेज की पोजीशन पता कर ली, मैग्निफिकेशन पता कर लिया, पावर पता कर ली, एवरीथिंग सब कुछ समझ लिया. लेकिन फिर मेरे मन में आया कि मैं एक गेम खेलता हूँ, मैं इन सभी 6 लेंसेस को एक साथ चिपका देता हूँ, ऐसा पकड़ा और ऐसा चिपका के ऐसा टेप बांध दिया, तो मेरे पास जो चीज़ बनी है ये क्या है? ये बेसिकली इन 6 लेंस का कॉम्बिनेशन है. और ये जो कॉम्बिनेशन बना है, दिस विल अगेन बी अ लेंस. ये क्या होगा? ये वापस से एक लेंस ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि आपने 6 लेंस मिला दिए तो ये एक मिरर बन गया या कुछ और बन गया, ऐसा नहीं होगा. 6 लेंस है, 6 लेंस जोड़ेंगे तो 6 लेंस एक लेंस ही बनेगा. जैसे कि आपने ब्रिक्स, ईंट जो होती है ब्रिक, आपने 2 ब्रिक को जोड़ दिया तो ऐसा थोड़ी कि कुछ और बन गया, पत्थर थोड़ी बन गया, वो तो ब्रिक ही बन गया. तो उसी तरह से तो यहाँ पे भी हमने 6 अलग लेंस को अगर मिलाया, जोड़ा, तो जो चीज़ बनेगी वो भी एक लेंस ही होगा. और क्योंकि अगर 6 लेंसेस को मिला के जो बनी है वो एक लेंस है, तो इट मींस उसके पास फोकल लेंथ भी होगी,
अगर लेंस के पास फोकल लेंथ है तो उसे मैं कैलकुलेट कैसे करूं, उसे मैं पता कैसे लगाऊं कि इन छह लेंस को जोड़ने से एक फोकल लेंथ नई बन के आएगी। तो इन छह लेंस के कॉम्बिनेशन से बनने वाले लेंस की जो फोकल लेंथ होगी उसे हम कहेंगे इफेक्टिव फोकल लेंथ। एंड इफेक्टिव फोकल लेंथ को हम डिफाइन करते हैं एफ ई से। एफ ई इज द टर्म यूज फॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ। अब मैंने इन छह लेंस को एक साथ जोड़ा तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए आई विल से 1 अपॉन एफ ई रेसिप्रोकल ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ वन प्लस 1 अपॉन एफ टू प्लस 1 अपॉन एफ थ्री प्लस 1 अपॉन एफ फोर प्लस 1 अपॉन एफ फाइव प्लस 1 अपॉन एफ सिक्स प्लस जितने ज़्यादा लेंसेस हों। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इफेक्टिव फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला कैसे आया हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना है। वॉट आर 1 अपॉन एफ वन टू एफ सिक्स, दीज आर द फोकल लेंथ ऑफ दीज डिफरेंट लेंसेस। इन सभी छह लेंसेस की फोकल लेंथ है 1 अपॉन एफ वन से लेके 1 अपॉन एफ सिक्स तक। तो जब आप इन सभी को रेसिप्रोकल करके एड अप करते हैं और उसका फिर से रेसिप्रोकल लेते हैं सो यू विल गेट एफ ई। इस फॉर्मूले को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? इन छह लेंसेस को जोड़ने पे। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली 1 अपॉन एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर एफ फाइव एफ सिक्स को ऐड कर दूं तो ऐड करने से इन छह की एक इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने इन सभी कॉन्वेक्स लेंस जितने हैं, हम देख सकते हैं इस वक्त दो कॉन्केव हैं बाकी सब कॉन्वेक्स हैं, तो मैंने इन सभी कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस कर दिया कॉन्केव लेंस से। तो क्या कॉन्वेक्स लेंस को रिप्लेस करने से कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के हटाने से कॉन्केव लेंस को लाने से इस इफेक्टिव फोकल लेंथ में कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हम कहेंगे चेंज जरूर आएगा। क्यों चेंज आएगा? बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस जो भी हैं ये सभी कॉन्वर्जिंग लेंस है और जो कॉन्केव लेंस है वो सभी डाइवर्जिंग लेंस है, वो सभी डाइवर्जेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर मैं इन छह को जोड़ दूं तो ये कॉन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा ये हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ये हम कैलकुलेट करेंगे तभी हम बता पाएंगे। सो आई विल से कि जब आप इन छह लेंसेस को जोड़ोगे तो यहां पे ये जो कॉन्केव लेंस है इनकी फोकल लेंथ को हम ऐड नहीं करेंगे, इनकी फोकल लेंथ को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इट मींस इस फॉर्मूले को अप्लाई करते समय हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन। शुड बी फॉलो तो हम कहेंगे जब हम इस फॉर्मूले को यूज करें तो साइन कन्वेंशन का हमें खास करके ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को यूज करते समय साइन कन्वेंशन शुड बी फॉलोड। इट मींस जब मैं इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कैलकुलेट करूंगा सो आई विल से 1 अपॉन एफ वन सॉरी 1 अपॉन एफ ई विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ वन। व्हाई? बिकॉज दिस इज पॉजिटिव बट ये कॉन्केव लेंस है इसलिए इसकी फोकल लेंथ इज नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। हमने ये चीज डिस्कस की है कि जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव। सो आई विल से 1 अपॉन एफ ई विल बी 1 अपॉन एफ वन माइनस 1 अपॉन एफ टू प्लस 1 अपॉन एफ थ्री देन माइनस 1 अपॉन एफ फोर। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एफ फोर जो फोकल लेंथ है वो एक कॉन्केव लेंस की है, देन प्लस 1 अपॉन एफ फाइव देन प्लस 1 अपॉन एफ सिक्स। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ दी सिक्स लेंसेज। लेकिन अगर हमें और भी लेंसेज हैं, दो है, तीन है, पचास है,
then this is the general formula. You can use this formula directly to calculate the focal length. Now, अब हमने ये देखा कि focal length concave lens की हमेशा negative होती है, convex lens की हमेशा positive होती है. तो जब मैं इस effective focal length को calculate करूँगा, तो I will say कि इसका sign देख के हम बता सकते हैं कि जो combination बना है, वो concave combination बना है, concave lens बना है या फिर एक convex lens बना है. कैसे बता सकते हैं? जब आप इसको calculate करेंगे, तो if FE is negative, then जो lens बनेगा वो कौन सा होगा? Concave. जो FE अगर positive हो गया अगर, तो जो lens बनेगा that will be convex. ऐसा क्यों? Because हम देख सकते हैं जब इन 6 lenses को आप combine करेंगे, तो पहला lens क्या है? Convex. तो light ray जब इस पे strike करेगी, तो light ray में convergence होगा. लेकिन जैसे ही वो इस पे स्ट्राइक करेगी डाइवर्जेंस होगा, फिर इस पे स्ट्राइक करेगी कन्वर्जेंस होगा, देन यहाँ पे वापस डाइवर्जेंस होगा, यहाँ पे वापस कन्वर्जेंस, देन वापस कन्वर्जेंस. तो यहाँ पे जब लाइंस को कंबाइन किया जाता है, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें दिखाई देते हैं. तो इफेक्टिवली कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा वो तो इस कैलकुलेशन से ही पता लगेगा. तो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप बता पाएंगे, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ आ रही है, इट मींस वहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है, ओवरऑल डाइवर्जेंस हो रहा है. ओवरऑल डाइवर्जेंस का ये मतलब नहीं कि कन्वर्जेंस हो ही नहीं रहा. हो सकता है इन 6 लेंस को जोड़ने पे यू विल फाइंड कि वहां पे डाइवर्जेंस हो रहा है. कैसे? इसने कन्वर्ज किया थोड़ा सा, फिर इसने ज्यादा डाइवर्जेंस कर दिया, फिर इसने थोड़ा सा कन्वर्ज किया, फिर इसने बहुत ज्यादा डाइवर्ज कर दिया, फिर इसने कन्वर्ज किया, फिर इसने कन्वर्ज किया, लेकिन इफेक्टिवली हमें दिखा कि फाइनली डाइवर्जेंस हुआ है. तो इट मींस जो ये कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बनेगा? एक कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा. नाउ अब अगर हम ध्यान से देखें, तो ये फोकल लेंथ है, ये भी फोकल लेंथ है, F1 से F6 तक. इन सभी फोकल लेंथ को हमने क्या करा है? इनवर्स लिया है, और इफेक्टिव फोकल लेंथ का भी इनवर्स लिया है. तो आई विल से हमने एक टर्म पढ़ा है जिसे हमने नाम दिया है पी, दैट इज पावर, जिसे हम कहते हैं पीई. पीई इज द इफेक्टिव पावर विच कैन बी इक्वल्स टू 1/ इफेक्टिव फोकल लेंथ. सो आई विल से पीई अगर 1/ एफई है, तो इट मींस P1 जो होगा वो क्या होगा? 1/ F1. P2 जो होगा दैट विल बी 1/ F2. P3 विल बी 1/ F3. दिस विल बी 1/ F4, 1/ F5, 1/ F6. तो P1, P2, P3, P6. तो दैट्स व्हाई आई विल से कि पावर इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 एंड सो ऑन. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव पावर. और इस केस में भी हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करते हुए चलना है. दैट्स व्हाई फॉर दिस केस, स्पेसिफिकली दिस केस, आई विल से पावर विल बी P1 माइनस P2 प्लस P3 माइनस P4 प्लस P5 एंड प्लस P6. दिस विल गिव यू द इफेक्टिव पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस. सो यहाँ पे हमने फाइनली लेंस टॉपिक को ख़त्म कर दिया. नेक्स्ट सेशन में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. इन दिस सेशन हमने लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, देन पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को सीखने की कोशिश की. दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न. सो यू कैन नोट दिस.